गंगापुर सिटी में जब भी बारिश होती है तो शहर पानी का दरिया बन जाता है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे शहर में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये नजारा बार बार देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल सैलाब है और पूरा शहर जलमग्न है। बारिश होने से रोड पर पानी ही पानी है और पानी ज्यादा होने की वजह से दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सड़कों पर पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर के सांसद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिला प्रशासन ने आजम खान के ऊपर हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तकरीबन एक महीने बाद रामपुर पहुंचे आजम खान ने कहा कि जितने भी मुकदमे लगे हैं वो जौहर यूनिवर्सिटी पर लगे हैं। उन्होंने अफसरों पर भी शिकंजा कसते हुए कहा कि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। रामपुर के जिलाधिकारी अंजनेय कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आते ही गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। दर्शन रुद्राक्ष फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बस अड्डे का दादा फिल्म का फिल्मांकन होगा। फिल्म का शुभारंभ समाज सेवी केपी सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह सोमवंशी ने नारियल फोड़ कर किया। इस अवसर पर फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार सिंह साजन, मैनेजिंग डायरेक्टर उदय प्रताप सिंह रघुवंशी ने बताया कि फिल्म की स्टोरी पूरी तरह ग्रामीण परिवेश की सत्य घटना पर आधारित है। ये फिल्म ग्रामीण परिवेश के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। कानपुर में रेलवे के बोगी पार्टर्स निर्माण करने वाले कारखाने में हुए एक विस्फोट में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। विस्फोट कारखाने के एक संयंत्र का बॉयलर फटने से हुआ या फिर एक साथ गैस सिलेंडर फटने से, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। पुलिस और दमकल दस्ता मौके पर पहुंच गया और जांच में जुट गया है। यूपी के कानपुर में बेटे की जन्मदिन पार्टी मनाने गए शराब कारोबारी के घर में घुसे चोरों ने ताला तोड़कर नकदी जेवर समेत 26 लाख का माल पार कर दिया। देर रात पार्टी मनाकर जब वह घर लौटे तो अलमारी और लॉकर के टूटे ताले देखकर घटना की जानकारी हुई। वहीं इस घटना की सूचना पाकर इंस्पेक्टर और फॉरेंसिक टीम साथ पहुंची और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। मुरादाबाद के मोढ़ा पांडे क्षेत्र में इनोवा कार ने दो बच्चों को रौंद दिया, जिससे दोनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए,
जिन्हें आनंद फानंद में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। क्या हादसा हुआ? ये स्विफ्ट डिजायर वाला, स्विफ्ट वाला मार गया, एक्सीडेंट कर गया। क्या बच्चे थे? एक बच्चा था। कौन सी जगह है? दलपत। पुलिस आ गई थी यहाँ पर? 100 नंबर आई थी, वो कह रहे थे गाड़ी पकड़ी। फिर क्या हुआ? फिर वो चले गए, अभी तक तो गाड़ी का कोई पता नहीं चला। चौकी से आई थी पुलिस? चौकी से आए थे दरोगा जी, वो भी चले गए। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हम बता रहे हैं। नहीं, अभी जब 100 नंबर वालों ने पकड़ ली तो उनका क्या कहना है कि चौकी में खड़ी है गाड़ी? हाँ, वो चौकी में बता रहे थे। चौकी अब क्या क्या कह रहे हैं? अब वो है ही नहीं यहाँ पर। पुलिस वाले चले गए? हाँ, वो चले गए। मना कर रहे हैं वो? हाँ, अब मना जब करेंगे यहाँ को आएंगे। क्या चले? बच्चे का नाम क्या? दानिश।